अनमोल वचन ज्ञान वाणी। प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं अनमोल चैनल। और ये सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, इस चैनल से आप जुड़े हुए नहीं हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह एक फ्री सर्विस होती है और इससे आप इस चैनल के सदस्य बन जाओगे और हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको बारी बारी से मिलती रहेंगी। बात करते हैं आज द्रौपदी के 5 पति से कुल कितने बच्चे पैदा हुए। द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता था कि वे राजा द्रौपद की पुत्री थी। उन्हें पांचाली इसलिए कहा जाता था कि राजा द्रौपद पांचाल देश के राजा थे। उनका एक नाम कृष्णा भी था क्योंकि वो भगवान कृष्ण की सखी थी। उनका एक नाम यागसेनी भी था क्योंकि वे यज्ञ करने के बाद पैदा हुई थी। द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, समय समय पर वह 5 पतियों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी ने एक एक वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों के एक एक पुत्र को जन्म दिया। इस तरह द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी के पुत्र और पांडव के अन्य पुत्र एवं पत्नियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। जो द्रौपदी के पुत्र थे, द्रौपदी से जन्मे युधिष्ठर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। द्रौपदी से जन्मे भीम से उत्पन्न पुत्र का नाम सुतसोम था। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। द्रौपदी से जन्मे नकुल के पुत्र का नाम शतानीक था। द्रौपदी से जन्मे सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। अब जो 5 पांडव हैं, इनकी द्रौपदी को छोड़कर जो अलग से पत्नियां थी वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर युधिष्ठर आते हैं। युधिष्ठर की दूसरी पत्नी देविका थी। देविका से धौदेय नाम का पुत्र जन्मा था। अब बात करते हैं अर्जुन की। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नाम की 3 पत्नियां थी। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से वरभुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। अब बात करते हैं भीम की। द्रौपदी के अलावा भीम की हिडिम्बा और बलंधरा नामक 2 और पत्नियां थी। हिडिम्बा से घटोत्कच और बलंधरा से सर्वंग का जन्म हुआ। अगला नंबर पर बात करते हैं नकुल की। द्रौपदी के अलावा नकुल की करेणुमति नामक पत्नी भी थी। करेणुमति से नीरमित्र नाम का एक पुत्र का जन्म हुआ। अब बात करते हैं सहदेव की। सहदेव की दूसरी पत्नी का नाम विजया था, जिससे इनका सुहोत्र नामक पुत्र मिला। तो ये द्रौपदी और पांडव के पुत्रों का पूरा विवरण है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और मैं आगे मिलने वाला हूँ कुछ और नई वीडियो के साथ, तो उसको भी देखना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा फिर से कहता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद।